सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS एकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुशमांडा एकेडमी। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। तो चलिए बात शुरू करते हैं और इसमें आज हम बात करेंगे हरियाणा के स्मारक, किले, तालाब और संग्रहालयों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है उनके बारे में क्या, तो इस बात की चर्चा होगी। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है आपका इब्राहिम लोधी का मकबरा। तो पहला सवाल तो इस पर यही आएगा कि ये मकबरा है कहाँ पर। तो ये मकबरा आपका पानीपत में है और आपको पता ही होगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी की भी मृत्यु हो गई थी युद्ध के मैदान में। ठीक है, तो भारत का पहला ऐसा राजा था इब्राहिम लोधी जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, तो अगला आपका काला आम्ब। काला आम ये भी, इसकी लोकेशन भी पानीपत में ही है और पानीपत से 8 किलोमीटर दूर। काला आम्ब में सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार शिवराव भाव के मध्य हुआ था। युद्ध में मराठा सेना की पराजय हुई और कहा जाता है कि इस स्थान पर आम का पेड़ था, जो ये पेड़ था यहाँ पर क्या ना, आम का पेड़ था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का इतना खून बहा कि आम के वृक्ष भी काले पड़ गए, तभी इस स्थान को काला आम के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा सरकार ने वॉर हीरो मेमोरियल के रूप में इसे विकसित किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आम के पेड़ थे और खून की वजह से वो भी काला रंग उनका हो गया, इसलिए पानीपत में लोकेशन। काबुली बाग, काबुली बाग की लोकेशन भी पानीपत के अंदर ही है और यह बाग बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई की विजय की खुशी में अपने सबसे प्रिय रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनवाया था। तो काबुली बाग जो है ये बाबर ने बनवाया था काबुली बेगम की याद में। ठीक है, जो आपकी काबुली बेगम, इनकी वाइफ का नाम है, आपने देखा होगा जो मुगल राजा रहे हैं, चाहे शाहजहां या हम बात करें जहांगीर की, तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी वाइफ के लिए किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। होडल की सराय, तालाब व बावड़ी। तो होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल ने एक सुंदर सराय बनवाई। सवाल पूछा जा सकता है कि किसने बनवाई, सूरजमल ने। और इसके अलावा तालाब और बावड़ी भी बनवाई, आज भी इनके खंडर यहाँ देखने को मिलते हैं। होडल की किशोराबाई तालाब को सती का तालाब भी कहते हैं, यह सती का मेला भी लगता है। तो होटल होडल में ही आपका जो है किशोरीबाई तालाब, किशोरीबाई तालाब, ठीक है, जिसको सती का तालाब भी कहा जाता है, याद कर लेना, बड़ा अच्छा सवाल है, आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपने देखा होगा। तो हरियाणा पर बहुत मुश्किल सवाल नहीं आए, जब हम पीछे वीडियोस अपने डाल रहे थे तो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर इतने आसान सवाल थोड़ी आते हैं। तो देखा होगा आपने पेपर में जो अभी पीछे एग्जाम हुए हैं, सारे आसान सवाल आए हैं। ठीक है ना, तो जो टाइम आपने मुश्किल मुश्किल सवाल करने में लगाया तो वो आप मैथ और साइंस और कंप्यूटर में लगा सकते थे। आजकल हमारी क्लासेस चली हुई हैं इन तीनों टॉपिक्स पर, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सब में सवाल आने। तो हमारे जो है स्पेशल बैच जरूर ज्वाइन करिए, जो हमने मैथ साइंस और कंप्यूटर पर शुरू किए हुए हैं। और बात वहीं आकर रुकती है कि सब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो हम ही बता सकते हैं आपको, वही किया जाता है, वो याद भी रहता है। चलिए, पलवल का किला और तालाब व मीनार। तो मुगल काल में पलवल में मटिया किला बनवाया गया था, मटिया किला बनवाया गया था। यह किला अब खंडर में परिवर्तित हो चुका है। शेरशाह सूरी के समय में पलवल तहसील के गांव मुलवाना में बनवाई गई मीनार तथा गांव अमरपुर से 150 वर्ष पुराना गोल मकबरा मुसलमानों का कला के प्रति समर्पण का द्योतक है। इस तहसील के गांव चैनपुर में पक्की ईंटों से बना एक तालाब भी है। ठीक है, तो मूलवाना गांव की मीनार। और इसके अलावा अमरपुर में गोल मकबरा, ठीक है, अमरपुर में आपका गोल मकबरा,
वल्लभगढ़ के तालाब और छतरी व किले। तो वल्लभगढ़ के राजा अनुरूप सिंह, वल्लभगढ़ के राजा अनुरूप सिंह की विधवा ने अपनी पति की स्मृति में 1818 में एक तालाब और छतरी बनवाई। वल्लभगढ़ के राजा अजय सिंह की विधवा ने भी अपने पति की याद में छतरी और तालाब का निर्माण करवाया। तो अजय सिंह की भी विधवा और अनूप सिंह की भी, इनके द्वारा बनवाई छतरी आज भी मौजूद है। और यहाँ पर राजा बलराम ने एक किले का निर्माण करवाया था जो खंडर नुमा स्थिति में मौजूद है। ठीक है, तो बलराम राजा का किला भी यहाँ पर वल्लभगढ़ में मिलता है, याद कर लीजिए। गांव सराय ख्वाजा की सराय फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद के अंदर है। तो फरीदाबाद जिले के गांव सराय ख्वाजा में लगभग 300 वर्ष पुरानी एक सराय है। इस सराय के नाम पर ही गांव का नाम सराय ख्वाजा पड़ा। यह सराय परी ख्वाजा के नाम ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? परी ख्वाजा। तो ख्वाजा सराय कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। कुंजपुरा और तरावड़ी के किले, तो जिला करनाल में स्थित कुंजपुरा नामक स्थान पर छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ एक किला है, जहां अब सैनिक स्कूल चल रहा है। करनाल के तरावड़ी नामक स्थान पर भी एक किला है जो विद्यमान है। ठीक है, तो कुंजपुरा और तरावड़ी आपके कहाँ पर है? करनाल में। सोहना का किला, ये गुड़गांव में पड़ता है आपका, या गुरुग्राम कह सकते हो आप इसे। तो सोहन सिंह नामक राजा द्वारा बनवाया गया था और उसी के काल में यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया गया जो खंडर के रूप में है। ठीक है, सोहन सिंह, किसने बनवाया सोहना का किला? सोहन सिंह ने। जींद का किला, तो जींद का किला आपका 1775 में गजपत सिंह, गजपत सिंह ने जींद को जीतकर यहाँ पर एक विशाल किले का निर्माण करवाया और वह जींद नगर के पहले राजा बने। आज भी ऐतिहासिक किले के भग्नावशेष मीलों दूर से दिखाई देते हैं। तो गजपाल सिंह का नाम याद रखना। और बाग वाला तालाब, ये रेवाड़ी में है आपका। और राव गुजलमर के पुत्र नंद राम अहीर ने बनवाया था, नंद राम अहीर ने इसे बनवाया था और यह अब सूख चुका है। ठीक है, राव तेज सिंह तालाब, तो राव तेज सिंह तालाब ये रेवाड़ी में है, ये भी आपका रेवाड़ी में है। और इसका निर्माण जो है कराया था, इसका निर्माण राव तेज सिंह द्वारा 1810 से 15 के बीच करवाया गया। ठीक है, राव तेज सिंह ने 1810 से 1815 के बीच में कराया। तो यह विशाल तालाब में भूमिगत नालियों द्वारा पानी भरने की व्यवस्था है और तालाब में स्त्री पुरुषों के स्नान के लिए अलग अलग घाट हैं। तो महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। कोस मीनार, तो कोस मीनार की बात करते हैं। और जिस प्रकार आजकल सड़कों पर अगले नगर या गंतव्य की दूरी बताते मील पत्थर लगे हैं, वे शेरशाह सूरी के काल में कोस मीनार कहलाते थे। ठीक है, कोस मीनार जो है ना आपके मील वाले पत्थर जो दूरियां बताते हैं, तो शेरशाह के टाइम पर ये लगे होते थे, उसी को हम कोस मीनार कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट है। और जब शेरशाह सूरी ने ऐतिहासिक जीटी रोड का निर्माण करवाया, उस समय उसने जनता की सुविधा के लिए प्रत्येक कोस पर इस तरह की एक एक मीनार खड़ी की थी। आपने देखा होगा बहुत सारे रास्तों पर हमें मिलती है। एक अनुमानित नाप के अनुसार प्रत्येक कोस में लगभग 2 मील की दूरी, ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 मील की दूरी शामिल होती है। इस समय हरियाणा में पड़ने वाले जीटी रोड के अंश पर 88 कोस मीनार हैं। ये एक सवाल आपसे ये पूछा जाएगा। तो ये क्या है? ये वो पत्थर हैं जो दूरी दिखाते हैं और हरियाणा में हमें 88 मिलते हैं कोस मीनार, याद कर लीजिए। रजिया बेगम का मकबरा देख पा रहे हो, तो कैथल में है आपका। आप उसकी पिक्चर भी देखो, आज तक आपने पढ़ाई होगा, पिक्चर देखिए। तो ये आपका बाबल दाना रोड पर और भारत की सामग्रीगिरी रजिया सुल्तान का मकबरा है। ये अब खंडर हो चुका है, लेकिन इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जब भी कैथल के इतिहास का जिक्र होता है तो इस मकबरे की चर्चा होती है। सवाल बार बार पूछा गया है। ठीक है, रजिया इल्तुतमिश की बेटी का नाम था, इनके हस्बैंड का नाम अल्तूनिया था। चलिए, जल महल की बात करते हैं। तो
ऐतिहासिक स्मारक जल महल नारनौल नगर के दक्षिण में आबादी से बाहर स्थित है। नारनौल में है आपका ये। इसका निर्माण 1591 में नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान ने करवाया था। इतिहास प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी युद्ध में शाह कुली खान ने हिमू को पकड़ा था। तो शाह कुली खान का नाम जरूर याद रखना, जिसने हिमू को पकड़ा था सेकंड में। और इसी उपलक्ष्य में अकबर ने प्रसन्न होकर शाह कुली खान को नारनौल की जागीर सौंपी। जल महल का निर्माण लगभग 11 एकड़ के विशाल भूखंड पर किया गया। यह विशाल तालाब के बीच स्थित है, लेकिन स्मारक तक पहुंचने के लिए पुल बना हुआ है। तो आपने शाह कुली खान का नाम याद रखना। हिमू को पकड़ने की खुशी में अकबर ने जो है ये दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राय मुकुंद दास का छत्ता, जिसको बीरबल का छत्ता भी कहते हैं। तो नारनौल की सघन आबादी के बीच स्थित इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ। देखो, सवाल पूछा जा सकता है कि जो आपका बाल मुकुंद का छत्ता है वो किस मुगल राजा के टाइम पर बनवाया गया। तो शाह शासनकाल में नारनौल के दीवान मुकुंद दास ने बनवाया था। तो बनवाया किसने था? मुकुंद दास ने। और टाइम पीरियड किसका था? शाहजहां का। शाहजहां को आप जानते हो, ताजमहल बनवाने वाले मुगल राजा हैं। तो यह स्मारक नारनौल के मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे बड़ा है, और भवन के भीतर से पानी की निकासी, फव्वारों की व्यवस्था तथा भूमिगत के में प्रकाश व पानी की निकासी व्यवस्था देखने योग्य है। इस 5 मंजिल भवन का आकार चौकोर है, जिसके बीच में बड़ा चौक है। अकबर के शासनकाल में यहाँ बीरबल का आना जाना था, इसलिए इस स्मारक को बीरबल का छत्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो एक सवाल ये पूछा जा सकता है आपके आपसे जो है एग्जाम में, 5 मंजिला भवन है आपका ये। इब्राहिम खान का मकबरा, तो पहला सवाल तो यही है कहाँ पर है। तो इब्राहिम खान का मकबरा आपका नारनौल में है। ठीक है, नारनौल के अंदर है इब्राहिम खान का मकबरा, और इसका निर्माण इतिहास प्रसिद्ध शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में बनवाया था। तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था अपने दादा इब्राहिम शाह सूरी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोर गुंबद नारनौल नगर के उत्तरी पश्चिमी दिशा में एक ऊंचाई वाले स्थान पर निर्मित ऐतिहासिक स्मारक चोर गुंबद जमाल खान नामक एक अफगानी ने अपनी ही समाधि स्थल के रूप में करवाया था। तो नारनौल में है आपका चोर गुंबद, और किसने बनवाया था? ये नाम है जमाल खान। ठीक है, जमाल खान नाम है इनका, और अपनी समाधि के रूप में बनवाया था। यद्यपि यह यादगार के रूप में बनवाया गया था, परंतु नगर के बाहर स्थित होने के कारण इस स्थान पर चोर उचक के शरण लेने लगे, जिसके फलस्वरूप इसका नाम चोर गुंबद पड़ गया। ठीक है, तो चोर यहाँ पर शरण लिया करते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, मिर्जा अली जी अली जहाँ की बावड़ी। मिर्जा अली जहाँ की बावड़ी, तो नारनौल नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता था। यद्यपि नगर की बहुत प्राचीन बावड़ियों का अस्तित्व अब नहीं रहा है, परंतु मिर्जा अली जहाँ की बावड़ी आज भी विद्यमान है। यह नारनौल नगर में आबादी से बाहर स्थित है। ऐसी ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण मिर्जा अली जहां द्वारा करवाया गया था। तो कहां पर है आपका ये? नारनौल के अंदर है। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। शाह विलायत का मकबरा, तो जो आपका शाह विलायत का मकबरा, इसकी लोकेशन कहां पर है? तो ये भी आपका नारनौल में है। नारनौल में काफी मकबरे हैं, और ये इसका मकबरा इब्राहिम खान के मकबरे की ओर स्थित है। यह मकबरा आकार में बड़ा है और एक महाविद्यालय जैसा लगता है, जिसमें तुगलक से लेकर ब्रिटिश काल तक की परंपरागत वास्तुकला को सजाया गया है। इसकी मौलिकता बाद में हुए निर्माण कार्यों के कारण पूरी तरह नहीं रखी जा सकी है। शाह कुली खान का मकबरा बगीचा और तिरपोलिया, तो आईने अकबरी और लतीफ की यात्रा का सचित्र व्याख्यान हमें बताता है कि शाह कुली खान ने नारनौल में सुंदर बाग और टैंक खुदवाए तथा शानदार इमारत भी बनवाई। बाद में उसने अपने लिए एक सुंदर मकबरा बनवाया, उसने एक सुंदर बगीचा बनवाया, इसका नाम आरामे कोसर रखा। ठीक है, तो आरामे कोसर किसने बनवाया, ये सवाल पूछा जा सकता है, जिसकी आज केवल 4 दीवारें, एक कुआं तथा मुख्य द्वार स्थल बचे हैं। सन 1978 में बने इस बगीचे के अंदर इन दिनों कृषि की जाती है। शाह कुली खान ने 1589 में अपने बाग के मुख्य द्वार पर तिरपोलिया दरवाजा बनवाया। तो पूछा जा सकता है, तिरपोलिया दरवाजा किसने बनवाया?
ये सवाल आएगा। अगला सवाल देखते हैं, माधोगढ़ का किला। तो महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर सतनाली सड़क पर अरावली पहाड़ी पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच ऊंची चोटी पर एक किला स्थित है, माधोगढ़ का किला। ठीक है, तो सतनाली महेंद्रगढ़। तो यह माधोगढ़ एक ऐतिहासिक किला है और पर्वत की तलहटी में माधोगढ़ गांव बसा है। यद्यपि इस किले के निर्माण के संबंध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है ये सवाल। तावड़ू का किला, तो सोहना से 17 किलोमीटर की दूरी पर है आपका तावड़ू का किला। सोहना से 17 किलोमीटर दूर पर्वतीय रास्ते से होते हुए हरियाणा राजस्थान मार्ग पर तावड़ू नामक गांव में स्थित इस प्राचीन किले में विभिन्न कक्षों उपकक्षों तथा अन्य स्थलों से तावड़ू के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी है। यही किला बाद में नाहर सिंह किला बना। ठीक है, नाहर सिंह किला बना। इस समय तावड़ू स्थित किले वो वहां का थाना बना दिया गया है। ठीक है, तो जो किला है वहां का वो थाने के रूप में बदल गया है। और तावड़ू के गुंबद, तो तावड़ू के गांव में जगह जगह अनेक गुंबद बने हुए हैं, इनका बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा इन गुंबदों का निर्माण कुछ निश्चित लक्ष्य के लिए किया गया था। यहाँ इनकी सुविधाजनक आवासीय व्यवस्था होने के अतिरिक्त ऐश्वर्यपूर्ण विश्राम की भी व्यवस्था हुआ करती थी। राजाओं का दरबार स्थल भी प्राय इन्हीं गुंबदों में हुआ करता था। आज भले ही ये गुंबद संरक्षण और उपयोग के लिए एकांत में पड़े हैं, लेकिन इन्हें देखने से इनके प्राचीन महत्व का पता चलता है। ठीक है, तो तावड़ू गांव सोहाना। द्वारका व जोखी द्वारा बनाई गई हवेली, तो रोहतक से झज्जर मार्ग की तरफ होते मार्ग के पूर्व में बसे डीघल गांव में, डीघल गांव, ठीक है, डीघल गांव है रोहतक और झज्जर मार्ग से। तो बहुत साल पहले द्वारका तथा जोखी सेठ भाइयों ने 2 मंजिली हवेली का निर्माण करवाया, जो आज भी मौजूद है। महल के नाम से प्रसिद्ध इस हवेली में ऊंची मेहराब देकर किले जैसी शैली का प्रवेश द्वार बनाया गया है। तो डिंगल गांव का बैठक भवन, तो डिंगल गांव में एक बैठक भवन और भी है। तो राम सेठ नामक प्रसिद्ध साहूकार ने जो है ये बनवाया था 1880 के आसपास। तो एक सवाल ये भी आ सकता है। और अगला है आपका राजा नाहर सिंह का किला। तो यह किला वल्लभगढ़ में स्थित है। यह किला आपका कहाँ पर है? वल्लभगढ़ में स्थित है। और इस किले को बनवाने की योजना बल्लू के शासनकाल में बनवाई गई थी, जिसे उनके पुत्र किशन सिंह ने पूरा किया। तो ये आपका था बल्लू, ठीक है, और बाद में उसका बेटा किशन सिंह। तो यह किला वर्तमान में अंबेडकर चौक से नाहर सिंह मार्केट तक तथा कन्या विद्यालय के जोहर से लेकर वल्लभगढ़ नगर निगम कार्यालय तक विस्तृत है। आज भी किले के चारों ओर की खाई जोहर की तरह दिखाई देती है। इसका नक्शा भरतपुर के किले को देखकर बनवाया गया था। बीरबल का रंग महल, तो यमुनानगर से 12 किलोमीटर दूर बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे के समीप, ठीक है, बीरबल का महल, तो यमुनानगर से बुढ़िया, तो रंग महल का निर्माण कराया गया था। और जो समय आमोद प्रमोद का प्रमुख स्थान रहा होगा, बीरबल मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और यह रंग महल अब खंडहर बन चुका है। तो शाम की बारादरी, तो भिवानी जिले में स्थित तोशाम नामक स्थान की पहाड़ी पर यह बारादरी स्थित है। यह बारादरी पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसको पृथ्वीराज की कचहरी भी कहते हैं। इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इस बारादरी के निर्माण में चूने और छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस भवन की विशेषता यह है कि इसमें एक भी चौखट का प्रयोग नहीं किया गया, तो चौखट नहीं है इसके अंदर। और इसमें 12 द्वार इस तरह से स्थापित किए गए हैं कि केंद्रीय कक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति चारों ओर देख सकता है। इसके प्रत्येक कक्ष का द्वार 5 मीटर ऊंचा है और इसके चारों ओर जनता के बैठने के लिए चबूतरा बना हुआ है। महम की बावड़ी, तो महम की बावड़ी, तो रोहतक, महम की बावड़ी रोहतक। तो जिले में माहम कस्बे के एक छोर पर बावड़ी बनी हुई है। मुगल स्थापत्य का नमूना है, तो मुगल जमाने में बनी यह बावड़ी शाहजहां के शासनकाल में सद्दो कलाल ने बनवाई। ठीक है, नाम पूछा जा सकता है सद्दो कलाल, सद्दो कलाल। और टाइम पीरियड किसका है? शाहजहां।
इस बावड़ी की लंबाई 275 फुट तथा चौड़ाई 295 फुट है। इसकी चार मंजिलें हैं। अंदर जाने के लिए 108 सीढ़ियां हैं। उसके बाद चौक आता है और उसके बाद कुआं आता है। चार मंजिलों पर दोनों तरफ ऊपर जाने के लिए पेड़ियां बनी हुई हैं। कुएं की दीवार सफेद रंग का पत्थर लगा हुआ है, जिस पर एक शेर लिखा हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि शैदुनाथ ने कलाल माहम निवासी जाति से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति ने बनवाया था, जो शहंशाह आलम के जमाने में ताल्लुक रखता है। इसमें एक सुरंग भी है, जिसके बारे में कहा जाता है यह दिल्ली तक जाती थी और बाद में सुरंग को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से एक सुरंग भी है और वो सुरंग आपकी दिल्ली तक जाती थी। ठीक है, उसको बाद में बंद किया गया। और गांव गौ करण तालाब रोहतक, गौ करण तालाब आपका रोहतक में है। यहाँ पर हर वर्ष तीज के त्योहार के दिन मेला लगता है। ठीक है, तीज के त्योहार पर मेला लगता है। पहले लोग इस तालाब में स्नान व तैराकी करते थे, लेकिन अब क्योंकि यह तालाब मिट्टी से भर चुका है, इसलिए स्नान व तैराकी तो कोई नहीं करता है। अब यहाँ व्यायामशाला है। इस गौकर्ण तालाब में यात्रियों के ठहरने के लिए अलग अलग जगह बनाई हुई है। यदि कोई यात्री वहां चला जाए तो उसके प्रसाद भोजन आदि करवाया जाता है। गौकर्ण तालाब के आसपास दूर तक पशु पक्षी आदि का शिकार करना मना है। तालाब पूर्व दिशा में है और चारों तरफ पक्का बना हुआ है। तालाब के साथ पश्चिम दिशा में मंदिर है, जिसमें गांव का महाराज की तस्वीर लगी है और साथ ही सारे साधुओं की समाधियां बनी हुई हैं। और गांव कर्ण महाराज के नाम पर ही यह स्थान गांव कर्ण तालाब बना। दुधेसर गांव का शहीदी स्मारक तो सिरसा से 28 किलोमीटर की दूरी पर है आपका। और लुधेसर गांव में एक शहीदी स्मारक है, जो देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों की अमर गाथा कहा जाता है। हरियाणा सरकार की ओर से इसकी देखभाल की जाती है। नेक्स्ट है आपका चनेटी गांव का स्तूप। तो जगाधरी से पूर्व चनेटी गांव का स्तूप जो है आपका हरियाणा, ये जगाधरी आपका यमुनानगर में पड़ता है। तो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुध नगर से लगभग उतनी ही दूरी पर चनेटी नामक गाँव में दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 100 मीटर की परिधि में एक 20 मीटर के दायरे वाला ईंटों का विशाल टीला है, जो 8 मीटर ऊंचा है, जिसमें पीली और पक्की ईंटें लगी हुई हैं। गोलाकार में बना यह स्तूप नीचे से चौड़ा है तथा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। चीनी यात्री हुएन सांग द्वारा दिए गए वर्णन से यह आभास होता है कि स्तूप अशोक स्तूप का अवशेष है। लोग कहते हैं इसे, ठीक है, जो हुवेन सांग था उनके उसमें बुक में लिखा हुआ है कि अशोक का स्तूप भी बताते हैं, उसका अवशेष बताते हैं। चलिए, कुरुक्षेत्र का श्री कृष्ण संग्रहालय। तो ये सन 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में की गई और 1991 में यह संग्रहालय अपने वर्तमान भव्य एवं दर्शनीय स्वरूप में बनकर तैयार हुआ। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर भ्रम सरोवर और सन्निहित सरोवर के मध्य काली कमली वाले मैदान में स्थित है। यह मुख्यतः श्री कृष्ण एवं महाभारत के चित्रों के माध्यम से जन साधारण में आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण के साथ साथ श्री कृष्ण के आदर्शों के प्रति लोकार्षण उत्पन्न करता है। और उसके बाद है आपका आध्यात्मिक संग्रहालय। तो ये आपका पानीपत में है आपका आध्यात्मिक संग्रहालय। ठीक है, और इनमें भी विशेषकर यहाँ की प्रसिद्ध आश्रम रोड पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भव्य भवन पानीपत निवासियों के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है। यह 3 मंजिला भवन है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे हरियाणा को लेकर। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बात जरूर याद रखना, नहीं तो कामयाब नहीं हो पाओगे। आंख बंद करके सिर्फ पढ़ते जाओ, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो इसके लिए कि हम आपको बताएं कि आप ये चीज़ करो, क्योंकि वो भी आपको याद रह जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ना कम पढ़ने से सिलेक्शन होता है, जो ज़रूरी है उसको करने से होता है। ठीक है, पढ़ाई जन्मों तक ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए आप अपनी कीमती वक्त जो आपका ज़िंदगी का है उसको बिल्कुल सही डिसीजन लीजिए। और हमारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स आप हमारी हेल्पलाइन पर हमसे बात करके ले सकते हो। हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर भी जाकर आप डिटेल देख सकते हो। तो सोचो मत, डिसीजन मेकिंग जिंदगी में बहुत काम आती है और सही डिसीजन सही रिजल्ट लेकर आते हैं। थैंक यू।